केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क एवं पुल निर्माण के क्षेत्र में उभरती नवीनतम प्रवृत्तियों और तकनीक पर सेमिनार का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम विषयों पर बात की। उन्होंने कहा कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व आप सब जानते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इंफ्रास्ट्रक्चर ही निभाता है। केंद्रीय परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं, जब हम बैठेंगे, मिलेंगे, विचार करेंगे और बेहतर काम करेंगे तो जो कमियां हमारे सामने आती हैं उन्हें सुधारना भी जरूरी है। ज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार छोटे लोगों से भी अच्छा ज्ञान मिलता है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की तारीफ की है और कहा है कि अनुराग जैन ने कई काम किए हैं। भारत सरकार का गति शक्ति अनुराग जैन ने खड़ा किया। परफेक्शन इन डीपीआर का काम गजब है। उन्होंने कहा कि कई अफसर रोड निर्माण से पहले मौके का निरीक्षण नहीं करते। जब रोड बनना शुरू होता है तो कभी मंदिर बीच में आती है, कभी मस्जिद, फिर हमारे पास आते हैं। अगर रोड अच्छे बनेंगे और फ्यूल अच्छी आएगी तो लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, 9% आएगी। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर 9% आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा, तो हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ एकदम बदल जाएगी। तो रोड से ग्रोथ और प्रोग्रेस, पथ ऑफ प्रोग्रेस, ये रोड है। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग और इंडियन रोड कांग्रेस के इस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश और प्रदेश में सड़कों की बुरी हालत थी, लेकिन नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में 4 लाइन, 6 लाइन और 8 लाइन सड़कें बनाई गई हैं, जिससे यातायात सुगम और सरल हुआ है। मुझे इस बात का संतोष है कि सड़क परिवहन मंत्रालय से माननीय मंत्री हमारे बीच आ रहे हैं और उनके आने के मात्र से ऐसे कई कामों को गति भी मिलती है। और खास करके आधुनिक समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, ऐसे में एक एक मंत्री बहुत अच्छा काम करो, उसमें से हमारे नितिन गडकरी जी ये सड़क परिवहन मंत्री के नाते से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और आवागमन की दृष्टि से 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन ये जो कल्पना है जो विदेशों में होती थी, ये हमारे देश में हो रही है। यही देखा कि हमने इसके कारण से हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में विकास के नए दरवाजे खुले। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।